Three capacitors of capacitances 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. A. What is the total capacitance of the combination? B. Determine the charge on each capacitor if the combination is connected to a 100 volt supply. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपको तीन कैपेसिटर दिए गए हैं, सबका कैपेसिटेंस आपको दिया गया है। तो पहले पार्ट में पूछा जा रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। भाई बहुत ही सिंपल है, ये तीनों चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो पहले पार्ट के लिए जो टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा इस पूरे सिस्टम का पैरेलल में कनेक्टेड है, तो हम लोग क्या करते हैं अलग अलग सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 2 पिकोफराड प्लस 3 पिकोफराड प्लस 4 दिस विल बी 9 पिकोफराड इज योर आंसर। बी पार्ट में स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है कि अगर इस पूरे कॉम्बिनेशन को एक ऐसे सोर्स के क्रॉस कनेक्ट कर देते हैं, 100 वोल्ट के सोर्स के क्रॉस अगर कनेक्ट कर देते हैं, तो अलग अलग हमको तीनों पे चार्ज बताना है। स्टूडेंट समझिएगा क्या होगा, जैसे ही कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए यहाँ से जो चार्ज सप्लाई होता है दिस इज क्यू, अब यहाँ पर क्या होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लेते हैं इधर जो चार्ज जाता है दिस इज क्यू वन, इधर जो चार्ज जाता है दिस इज क्यू टू और इधर क्यू थ्री, मतलब कुछ इस तरह से ये तीनों कैपेसिटर पे इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, इस पे जो चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2 और इस पर जो चार्ज आ जाएगा दिस विल बी Q3, इस तरह से चार्ज आ जाएगा तीनों कैपेसिटर पे। तो यही चार्ज का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, हाउ टू थिंक स्टूडेंट, अगेन ये बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू C भी आपको पता होना चाहिए, Q इक्वल्स टू C भी। तो किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज अगर आपको निकालना है तो उसका पहले तो कैपेसिटेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों को पता है, सबका कैपेसिटेंस पता है, दिस इज 4 पिकोफैराड, ओके। और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो चूंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है और डायरेक्टली कनेक्टेड है इस 100 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस, मतलब कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी वन उसका भी वैल्यू होगा 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वी टू उसका भी वैल्यू 100 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 100 वोल्ट। क्लियर बात है, पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए मतलब यहाँ पे अगर क्यू वन का वैल्यू रखें, Q1 का वैल्यू अगर इस पे लिखें, इस पर कितना चार्ज आया दिस विल बी Q इक्वल्स टू C भी, तो इसका C1, इसका कैपेसिटेंस को C1 लिखते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है V1, तो C1 का वैल्यू है दिस इज, C1 का वैल्यू कितना है 2 पिको फराड, इसको ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग फराड में बदल लेते हैं, इतना फराड हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 12, पोटेंशियल इसके क्रॉस हो जाएगा 100 वोल्ट, 100 वोल्ट एंड दिस विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब इज योर आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सी इज द कूलम्ब, ओके। चलिए उसी तरह Q2 आप निकाल सकते हैं, इस पर कितना चार्ज आएगा, तो Q2 के लिए निकालने के लिए इसका कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कीजिए, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ दिस इज C2 है 3 पिको फराड, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 वोल्ट, दिस इज 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब हो गया। क्लियर है, दिस इज योर आंसर। और Q3 इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, तो C3V3 इसका कैपेसिटेंस हो गया 4 पिको फराड, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 100 एंड दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 कूलम्ब एंड दिस इज योर आंसर।